हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत। और आज की क्लास हम लोग जानेंगे एक्सेल में कंसोलिडेट फंक्शन के बारे में। ये कंसोलिडेट फंक्शन करता क्या है, इसका हम लोग यूज कैसे करें। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कंसोलिडेट फंक्शन होता क्या है। इसका यूज क्या हम लोग करते हैं कि जब किसी दो शीट को आपस में क्या करना हो, जोड़ना हो, क्या करना हो, जोड़ना। यानी कंसोलिडेट फंक्शन क्या है कि जब हम किसी दो शीट के डेटा को आपस में जोड़ना चाहते। अब जैसे इसका यूज कब करेंगे, सपोज करिए कि आप कहीं डेटा बना रहे थे और डेटा बनाते वक्त आपने क्या किया कि एक शीट का डेटा यहाँ पर कर दिए और यही डेटा आप किसी दूसरे शीट पर कर, आ रहा समझे ना। यानी कि आधा डेटा आपका शीट 3 पे है और आधा डेटा आपका अगले शीट। हम चाहते हैं कि इन दोनों शीट के डेटा को आपस में जोड़ लें ताकि हमको अलग अलग कैलकुलेशन करने की आवश्यकता न। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं किसका, कंसोलिडेट। जैसे समझने के लिए हम यहाँ पे कुछ डेटा बना लें। पहले हमने आप लिख दिया सीरियल नंबर, सीरियल नंबर पास लिख दिया क्या नेम, और नेम के बाद से बीच में और भी कोई डेटा हो सकता है लेकिन हम ले लेते हैं यहाँ पे क्या सिंपल की जनवरी का डेटा हो गया और अगला किसका हो गया फरवरी। जनवरी का और फरवरी, ये टोटल लेके आए थे हम 6 मंथ तक, यानी कहाँ तक, जून। यानी कि 6 मंथ का डेटा आपने यहाँ पर बनाया, आ रहा समझे ना। और किसी कारणवश आपने डेटा अगले सीट पे बना दिया कहाँ तक, चलिए इसको थोड़ा सा इस पर भी डेटा हम लोग हेडिंग बना लेते हैं कंसोलिडेट फंक्शन के नाम। इसका भी हमने नाम क्या दे दिया, कंसोलिडेट। यानी कि ये आपका अगला सीट था और ये आपका कौन सा है, दूसरा सीट। अब इस पर भी हमने क्या किया, यहाँ पर भी डेटा बना लिया, सीरियल नंबर पास दे दिए नेम, और नेम के पास दे दिए यहाँ पे अब किसका, जुलाई, और जुलाई के बाद से दोनों को सेलेक्ट करके ड्रा कर लिए कहाँ तक, दिसंबर। कहाँ तक कर लिए, दिसंबर। अब चलिए कुछ डेटा हम इसमें फिल अप कर लेते हैं। ये सीरियल नंबर हमने टाइप कर दिया यहाँ पे 1, और नीचे तक ड्रा कर लेंगे लगभग, हमने ले लिया कहाँ तक, 12 तक डेट। नाम लिखना है तो नाम के लिए हम लोग कस्टम लिस्ट में ऐड किए थे ना, और हम यहाँ पे नाम लिखे किसका, पहले नाम था हमारा, नाम था विशाल, तुम्हारे नाम से भी आ जाए। ये कहाँ से आया पता है ना, क्योंकि ये पहले हम कहाँ लिखे हैं, फाइल, फाइल के बाद से ऑप्शन, और ऑप्शन में जाने के बाद से एडवांस, और एडवांस में हमको एक ऑप्शन मिला था एडिट कस्टम लिस्ट। क्या मिला था, एडिट कस्टम लिस्ट, यहाँ पर जाकर हमने ये सारा नाम लिखा है, दिख रहा है ना। अभी जो भी नाम हम लिखे रहेंगे ये क्लिक के ड्रा करें तो सारा नाम अपने आप आ जाए, ये क्लियर है ना। ये बताया था आप लोग एक दिन एडिट कस्टम लिस्ट कि आप एक बार जो इसमें लिस्ट बना लेंगे आपको यहाँ बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं, सिंपल बस नाम लिखिए। और नाम लिखने के बाद क्या कर लीजिए, ड्रा कर लीजिए, सबका आ जाएगा ना, हो जाएगा। अब फिर हमने क्या किया, यहाँ पे हमको डेटा देना है। डेटा क्या कि जनवरी से लेकर और जून तक कितना डेटा हमारे पास बचा था, आ रहा समझ में। जैसा हम यहाँ पे जनवरी का डेटा कितना है और फरवरी का डेटा कितना है, उसके लिए फॉर्मूला लगा ले इकबाल रैंड बिटवीन, और इसमें दे देते हैं कहाँ से 100 से लेकर के और कहाँ तक 200, ब्रेकेट को कर दिए क्लोज, और ये सब में डेटा ड्रा कर लेंगे। तो अभी ये वैल्यू फिक्स नहीं है ना, फिक्स करने के लिए क्या करेंगे, कॉपी और वैल्यू क्या कर लेंगे, फिक्स हो जाएगा। अब ऐसे डेटा बन गया है ना। अब सपोज करिए कहीं आप सेल्समैन के पद पे काम कर रहे हैं और आपको पूरे साल का डेटा, जैसे एक मंथ जब खत्म हुआ, तो जब मंथ खत्म होता है तो आपको क्लोजिंग बनाना होता है, क्लोजिंग रिपोर्ट।
हेडिंग मालूम क्या बाद में बनाना होता है? यूट्यूब को मंगा के क्लोजिंग रिपोर्ट। पकड़ तो लो। आपने आयत का क्लोजिंग रिपोर्ट 130 बनाया, विशाल का 114 बनाया, सूरज के 184 बनाए, यानी कि टोटल ये समझिए कि इन लोगों ने कि इतना क्वांटिटी जनवरी के महीने में इन लोगों ने सेल किया था, फरवरी में इतना सेल किए थे, मार्च में इतना सेल किए थे, अप्रैल में। अब ऐसे आपको टोटल क्या करना है, 12 मंथ का बनाना है। आपने 6 मंथ का डेटा इससे बना लिया, दिख रहा है ना, और किसी कारणवश आपने डेटा 6 मंथ का यहाँ पर बना यार, समझे? तो यहाँ भी हम सीरियल नंबर दे देते हैं, 1, कहाँ तक दिए हैं, 12। नाम को यहाँ भी ड्रा कर सकते हैं ना, लिख लेंगे यहाँ पे नाम, और एक का नाम लिखने वाला समय क्या कर लेंगे, ड्रा हो जाएगा। फिर कहाना है हमको, अब इसे भी डेटा भरना होगा कि जुलाई में कितना सेल किए, अगस्त में कितना, सितंबर में कितना, अक्टूबर में कितना, नवंबर में कितना और दिसंबर में। हमको यहाँ पे लिखना होगा भाई इक्वल रैंड बिटवीन, यहाँ पर तो हम ये लिख रहे हैं लेकिन जहाँ काम करें वहाँ यही लगाएंगे। वहाँ हमको क्या करना होगा, वहाँ क्या करना होगा हमको, वहाँ अपना डेटा लिखेंगे कि हाँ आयत ने कुछ एक्चुअली में सेल किया तो कितना सेल किया था, विशाल ने जो सेल किया था एक्चुअली में कितना सेल किया था। आ रहा समझे ना? तो अब इस बार हम दे देते हैं इस, इन्होंने 200 से लेकर के और 300 तक इन इन लोगों ने मिलकर सेल, ब्रैकेट को क्या कर ली, क्लोज और अभी सबका डेटा निकल जाएगा ना। पहले क्या करना होगा, कॉपी और वैल्यू में हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए क्या करना है, अब हम ये कहें आपसे नहीं, आपको इस शीट का डेटा और इस शीट का डेटा दोनों जोड़ करके आपको अगले शीट पे लेके आना। आ रहा समझ में ना, कि जो अलग अलग डेटा है ना ये अलग अलग हमको नहीं चाहिए, ये सारा डेटा दोनों क्या चाहिए, एक में चाहिए। आ रहा समझ हम क्या कह रहे हैं, यानी कि जो अलग अलग आपने डेटा बनाई है अलग अलग नहीं चाहिए, दोनों एक पास चाहिए। तो सिंपल पहला तरीका ये कि आप कॉपी पेस्ट करेंगे, क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट। लेकिन कॉपी पेस्ट करने के बाद से आपसे ये पूछा जाए, आप ये बताइए इस शीट का डेटा कौन सा है और इस शीट का डेटा कौन सा है, तो कॉपी पेस्ट के रेंज बता पाएंगे क्या, तो डालना पड़ेगा ना। आ रहा समझे ना, तो कंसोलिडेट फंक्शन क्या है कि आपको करना क्या होगा, दो शीट का डेटा है तो इन दोनों को छोड़ के आपको आना हो किस पर, जिस शीट पे निकालना हो वहां क्या करेंगे, कर्सर रखेंगे और फिर चले जाएंगे कहां पर, डाटा टैब। तब कहां जाना होगा, डाटा टैब, और डाटा टैब में आने के बाद से आपको दिखाई देगा कंसोलिडेट, क्या दिखाई देगा, कंसोलिडेट। क्लिक करेंगे तो पूछेगा आपको सम करना है कि काउंट करना है कि एवरेज निकालना, हम कह देंगे अभी हमको जोड़ना है, अब सिर्फ जोड़ करके बताइएगा कि अगर जो शीट 3 का डाटा और 6 का डाटा आयत का जो जोड़ा जाएगा तो कितना होगा, विशाल का जोड़ा जाएगा तो कितना होगा, यही हमको जोड़ना है। आ रहा है समझे ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रेफरेंस में आ जाए, कहाँ पे आ जाएंगे, पहले शीट के डेटा को पूरा क्या कर लेना होगा। लेकिन सेलेक्ट करने से पहले चीज और ध्यान दीजिए, आपका सिर्फ लेफ्ट वाला कॉलम आएगा बाकी डेटा आएगा। हम चाहते हैं एचडी सीरियल नंबर नहीं आ करके क्या आए, सीरियल नंबर को छोड़ करके बाकी पूरे डेटा को क्या कर लेंगे, हो रिकॉर्डिंग हो एशिया 16 कंप्यूटर वा 16 जाएगा ना। और रोमानिया यहाँ से क्या साउथ करना है, अमेरिका ऐड, यानी कि नेम से पूरा टेबल सेलेक्ट करने के बाद से क्या कर लेना होगा, कंप्यूटर ऐड। पहला शीट का डेटा ऐड हो गया है ना, कैमरा अब दूसरे शीट पे आना है, लगा अब इसमें भी सीरियल नंबर को छोड़ के पूरे नेम को क्या कर लेना है, और फिर यहाँ से क्या कर लेना है। अब देखिए शीट 3 का डेटा और शीट 6 का डेटा दोनों ऐड हो गया ना, अब आपको टॉप रो को सेलेक्ट करना है, ऊपर वाला रो चाहिए, लेफ्ट कॉलम नेम चाहिए, और दोनों को जोड़ लेना होगा लिंक से, तीनों को क्या कर लेंगे और यस क्या कर लेंगे। अंतर कुछ आपको दिख रहा है, जनवरी से लेकर के कहां तक, दिसंबर, डेटा दिख रहा है ना, लेकिन अभी टोटल नहीं किया,
होटल भी चाहते हैं हम ना, उसके लिए चलिए फिर इस सीट को हम कर देते हैं डिलीट, इसकी अभी आवश्यकता नहीं। इस सीट पे आएंगे, एक और कॉलम बना लेंगे किसका, टोटल का। इसके लिए अल्ट के साथ इक्वल टू करेंगे, पता है ना कि आयत का जून से जुलाई से लेकर के दिसंबर तक का डेटा कितना है, 1300 तीरा, ट्रा कर लेंगे सबका निकल जाएगा। कितना निकालने में कोई दिक्कत, निकल जाएगा ना। फिर हम दूसरे सीट पे आ गए और यहाँ पर हमने लिख लिया क्या, टोटल, और यहाँ पर लिख लेंगे अल्ट के साथ इक्वल। इसमें कितना आया है, सात। सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद कर लेना है बॉर्डर, हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। क्या इक्वल टू आठ, आठों सम के लिए नहीं बताए हैं, फिर क्या करना होगा आपको। अब आपने यहाँ सीट ली, जाएगा ना। अब आपको कहाँ जाना होगा, टाटा टायर, फिर कहाँ आना होगा, कंसोलिडेट, रेफरेंस में आना है। इस सीट पे आने के बाद से नेम के बाद से पूरे टेबल को क्या कर लेना है, फिर यहाँ से क्या करना है, दूसरे सीट पे आना है, पूरे को क्या कर लेना है, और यहां से क्या कर लेना है, हो गया है ना। टॉप रो यानी कि ऊपर वाला आपका ये हेडिंग चाहिए, सेलेक्ट करेंगे। लेफ्ट कॉलम आपका ये वाला नाम चाहिए, सेलेक्ट करेंगे। क्रिएट लिंक यानी कि दोनों को जोड़ना है, कह देंगे हाँ तीनों हमारा चाहिए। और फिर यहां से क्या कर लेंगे, आप देखिए यहाँ बता रहा है किसका, आयत का, ये जनवरी से लेकर के जुलाई तक का डेटा, ये जून तक, और जुलाई से लेकर के दिसंबर, दिख रहा है ना। और ये दोनों को जोड़ करके बता रहा है कि ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4400। और पूछा जाए, नहीं आप बताइए पहले सीट का डेटा कौन था, दूसरे सीट का डेटा कौन था। तो देखिए आपको प्लस का आइकन दिखाई दे रहा है यहाँ पर साइड में, क्लिक कर दे तो बता रहा है कि एक सीट का डेटा ये है। अब दो बार क्यों दिखा रहा है, क्योंकि तो इसमें आयत का नाम देखिए दो बार आया हो, एक बार यहाँ है और एक बार, दिख रहा है ना। इसलिए कितने बार डेटा ये दिखा रहा है कि एक बार जो आया है वो ये है और एक बार जो आया है। अब देखिए अब ये लास्ट में बताएगा, ऊपर वाले को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 772, और नीचे वाले को जोड़ेंगे तो 800। तो पहले सीट पे देखिए वही आया है 772, और यहाँ पर 800। लिंक बनाया कि नहीं बनाया। और दूसरे सीट पे देखिए यही बता रहा है ना, जुलाई से लेकर के कहाँ तक, दिसंबर, कितना डेटा है पहले, 1383। आज इसके देखिए कितना है, 1383। और जब इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जब इन सबको जोड़ेंगे तब तो हमारा कितना डेटा आएगा, तो यहां से हम आ जाएंगे माइनस कर, बताएगा टोटल कितना आ जाएगा, 44 37 निकल जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। तो पहले से बना लीजिएगा, आपको दो सीट को डेटा को क्या करना हो, ऐड करना हो, एक सीट पे जोड़ करके लाना है, हम किसका यूज करेंगे, कंसोलिडेट, हो जाएगा। जितना पहले डेटा बनाइए लोग, आप यार इसमें दो चीज और समझ लीजिए, टेक्स्ट टू कॉलम और उसके वास्ते लेफ्ट। तो टेक्स्ट टू कॉलम क्या है, जैसे कभी कभी आप लोग नाम लिखते हैं ना, जैसे हम यहाँ पे कहें आप इस सेल में नाम लिख रहे थे, नाम क्या लिखे, तो पहले आपने लिख लिया आयत, पहले आयत का ही नाम आएगा, क्या लिख लिए, और आयत के वास्ते से लिख लिए बीसा, क्या लिख लिए, बीसा। इसी में लिख लिए अमन, क्या लिख लिए, अमन के पास लिख लिए निखिल। कितने लोग का नाम लिखे हैं, चार लोग। हाँ कितने कितने लोग का नाम लिखे हैं, चार लोग। अब देखिए चार लोग हमने नाम तो लिखा है, लेकिन क्या सबका अलग अलग कॉलम में लिखे हैं, एक ही कॉलम में लिखे हैं ना। अगले बारे में यदि हम कुछ लिख देते हैं तो ये सारा डेटा अपने आप क्या हो जाएगा, आईडी।
ये किसके पीछे है, बस इसी एक सेल में, बाकी और किसी सेल में हम चाहते हैं बस इसी कॉलम में नहीं, आयत का इस कॉलम में नाम आ जाए, विशाल का इस कॉलम में, अमन का इस कॉलम में और निखिल का इस कॉलम। तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, टेक्स्ट टू कॉलम। पहले आपको इस नाम को क्या कर लेना होगा, सेलेक्ट, टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक, और क्लिक करने वास्ते कहेगा आपको पिक्स विद करना है ना, हम बोल देंगे यस, यहाँ करेंगे नेक्स्ट। है देखिए आयत का अलग हो रहा है, विशाल का अलग, अमन का अलग और निखिल का, सही है, सही है। फिर क्या कर लेंगे, और नेक्स्ट करने वास्ते क्या करना होगा, फिनिश। और यहाँ से क्या कर लेना होगा, देखिए आयत का इसमें डेटा आया है, किसका आयत, फिर विशाल का इसमें, अमन का इसमें और निखिल का, अंतर दिख रहा है ना, अंतर क्या था, कंट्रोल जेड करके अंडू कर ली, सारा नाम एक ही सेल में लिखा गया है ना, हम चाहते हैं अलग अलग सेल में चला जाए। देखिए दो तरीका होता है, पहला एक होता है टेक्स्ट से कॉलम में करने के लिए, और एक होता है कॉलम से रो में करने के लिए। यानी कि अभी हम किसमें कर रहे हैं, कॉलम में कर रहे हैं ना, किसमें कर रहे हैं, तो कॉलम के लिए हम कहाँ जा रहे हैं, डाटा टैब, टेक्स्ट टू कॉलम, नेक्स्ट नेक्स्ट, और उसके बाद से, और यहाँ क्या कर लेना होगा, आ गया अलग अलग डेटा। अच्छा ये हम अंडू करते हैं पुनः वापस, हम चाहते हैं ऐसे अलग अलग रो में आ जाए, तो रो के लिए कहाँ जाना होगा, उसके लिए आपको होम टैब में आना, कहाँ आना होगा, और होम टैब में आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा फील, जिसका आपको दिखाई देगा फील, और फील में आपको दिखाई देगा जस्टिफाई, क्या दिखाई देगा, जस्टिफाई, क्लिक करेंगे और यहाँ क्या कर लेना होगा, अभी डेटा आपका किसमें आया है, अलग अलग रो निकल जाएगा ना, यानी कि जो आपका डेटा कॉलम में है, कॉलम में करना है, तो आपको कहाँ जाना होगा, डाटा टैब, तो कहाँ जाना होगा, डाटा टैब, और डाटा टैब में जाने के बाद से टेक्स्ट टू कॉलम, और यहाँ से क्या करना होगा, नेक्स्ट नेक्स्ट, और यहाँ से हो जाएगा। और यही डेटा यदि रो में करना होगा तब क्या करना होगा, होम टैब, फिल ऑप्शन, फिल के बाद से जस्टिफाई, और यहाँ से हो जाएगा ना, इसका से दोनों जगह दे रहा है, फ्लैश फिल यहाँ भी दे रहा है और फ्लैश फिल यहाँ भी, दिख रहा है ना। अब इसका काम क्या, आप लोग टेक्स्ट फंक्शन पढ़े हैं ना, टेक्स्ट फंक्शन बताए थे ना जी, यही है ना, क्या गया ये टेक्स्ट, तो आपने क्या लिखा है, आप नाम लिखे हैं ना, आयत खान, फिर विशाल, ये सारा नाम लिखे हैं ना, आपको अलग अलग नाम करने, तब क्या करेंगे, फर्स्ट नेम अलग और लास्ट नेम अलग, जैसे अभी आपने एक में अलग अलग लिखा था, तो एक ही है ना, सारा नाम एक में आ गया है, और अलग अलग करना हो तब क्या करें, उसके लिए आप इन लास्ट में आ जाएंगे, कहाँ पे आ जाएंगे, और आपको किसका निकालना है डेटा, किसका निकालना है, आयत का निकालना है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिर्फ क्या, आयत, क्या लिखेंगे, और आयत लिखना उस पहले ट्राई कर लीजिए, स्पेस नहीं तो काम करेगा कि नहीं, आप आज ये फ्लैश फिल देखिए सिर्फ क्या आया है, सबका फर्स्ट नेम आया है ना, सबका क्या आया है, सिंपल हम किए क्या, लास्ट नेम लेके आना है, क्या लेके आना है, लास्ट, हम यहाँ लिखेंगे क्या है, पहले खान है ना, और इसको सेलेक्ट करिए, इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल के साथ ई बटन, या तो आप क्लिक करिए फ्लैश फिल पे, या कंट्रोल के साथ ई बटन दबा दीजिए, हो जाएगा, निकल जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं, आप यहां से हटा लीजिए, यहां नहीं निकालना है, आप सब नेम को करिए यहां से कॉपी, और कहीं दूसरी जगह लाके क्या कर लीजिए, यहां पे लाके राइट क्लिक पेस्ट कर,
अब आपको क्या निकालना है इसमें? आयत। क्या किए हैं? कंट्रोल के साथ लास्ट नेम निकालना था, आप क्या करेंगे? लास्ट नेम किसी का भी, कोई जो नहीं, फर्स्ट ही आपको लिखना होगा। आप इसका लिख लीजिए, क्या लिखें यहाँ पे? कौन? और सले करके कंट्रोल के साथ निकल जाएगा, कोई दिक्कत इसमें? दूसरी चीज, लेकिन एक बात को आपको ध्यान रखना होगा कि अगर यही डेटा आप यहाँ लिखते हैं, आ रहा समझ में ना, यहाँ लिख दिया हम क्या, लास्ट नेम इनका और कंट्रोल के साथ ई बटन करके, तो आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है ना, आना चाहिए। आप यहाँ करेंगे तो भी आएगा, लेकिन कब? बीच में कोई डेटा रहेगा। अब इसके बीच में कोई डेटा नहीं है ना, हम कितना वो फ्लैश फिल करें तो आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। सिंपल, हम यहाँ पे वन लिख, क्या लिख दिए? बीच में एक डेटा आ गया है ना, सेलेक्ट करिए और फ्लैश फिल कर, अब आ गया। यानी कि फ्लैश फिल करते समय आपको जहां से फ्लैश फिल करना है उसके बीच में कोई भी सेल आपका खाली नहीं रहना चाहिए, आ रहा समझे ना? जब खाली रहेगा तो आपका फ्लैश फिल काम नहीं कर। जैसे अभी हम यहाँ पे निकालें, आयत लिखना है, हम यहाँ लिख रहे हैं आयत, कंट्रोल के साथ ई, नहीं काम कर रहा है ना। बीच में हम कोई डेटा दे दिए, कुछ भी टाइप कर लिया, ऐसे वन और यहाँ कर दिए टू, दोनों को सेलेक्ट करके नीचे तक ड्रा कर, बीच में डेटा आ गया है ना। अब यहाँ बस कंट्रोल साथ क्या कर लीजिए, हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें? कर ले सभी लोग ना, तो ये आज आप लोग इतना ट्राई करिए लोग, यानी कि आज आप लोग बनाना है क्या क्या, कंसोलिडेट फंक्शन, उसके बाद से आपको निकालना होगा टेक्स्ट टू कॉलर, उसके बाद से जस्टिफाई। चलो आज दिखाना, फिर बता दो, निकाले हो ना? पहले क्या आपको क्या निकालना है इसमें? कंसोलिडेट, कंसोलिडेट के बाद से टेक्स्ट टू कॉलम, टेक्स्ट टू कॉलम के बाद से जस्टिफाई, और जस्टिफाई के बाद से फ्लैश, हो जाएगा सबका ना। तो आज आप लोग ये ट्राई करिएगा, आज के लिए बस इतना ही।